हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड बाय रागनी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताने जा रही हूँ एकदम यम्मी और टेस्टी मटर पनीर की सब्जी। ये बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में बनाने जा रही हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने 400 ग्राम पनीर लिया है और इसको देखिए मैंने ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्यूब में कट कर लिया है। आप अपने हिसाब से भी कटिंग कर सकते हैं। इसके बाद मैंने कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल हमारा गर्म हो गया है, इसके बाद हम लोग पनीर को फ्राई कर लेंगे। ये देखिए मैंने दो बैच में पनीर को फ्राई किया है। अब हमारा पनीर हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन होने लगा है, लेकिन जब अच्छा गोल्डन ब्राउन थोड़ा और हो जाए तब हम अपने पनीर को निकाल लेंगे। देखिए अब कितना अच्छा कलर आया है हमारे पनीर का। बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, मीडियम गोल्डन ब्राउन फ्राई करना है। इसके बाद कढ़ाई में दो बड़े चम्मच तेल डालेंगे, एक छोटे चम्मच जीरा डालेंगे, दो तेज़पत्ते डालेंगे, के बाद आधा छोटी चम्मच हींग डालेंगे। बाद मैंने दो बड़े साइज़ के प्याज को एकदम बारीक चॉप कर लिया था और इसको भी इसमें डाल के अच्छे से हम लोग भूनेंगे। प्याज हमारा हल्का गुलाबी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग इसमें जो है दो बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और उसको भी अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए हमें उसका जब तक कच्चा पनीर निकल जाए तब तक भूनेंगे। अब दो बड़े चम्मच इसमें धनिया पाउडर डालेंगे, इसके बाद एक छोटे चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, आधे छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब इसको अच्छे से हम लोग भून लेंगे। गैस की फ्लेम को हम लोग मीडियम पे ही रखेंगे। इसके बाद बेसन लिया है मैंने, दो छोटे चम्मच बेसन डालेंगे इसमें और इसको भी अच्छे से हम लोग भून लेंगे। एक मिनट के लिए इसको भूनना है, ज़्यादा देर नहीं भूनना है, तो हमारा बेसन जलने लगेगा। अब इसमें हम लोग जो है ये चार बड़े टमाटरों की प्यूरी बना ली थी उसको भी इसमें ऐड कर लेंगे और इसको अच्छे से पकाएंगे। इसके बाद मैंने इसमें एक और आधा छोटा चम्मच नमक डाल लिया है, आप स्वाद अनुसार नमक डाल लीजिएगा। इसके बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद मैंने फ्रेश मटर का यूज़ किया है उसको भी डाल दिया है। तीन चार हरी मिर्च को दो दो बड़े टुकड़ों में मैंने कट कर लिया है और उसको भी इसमें डाल लेंगे और डाल के अच्छे से भूनेंगे। एक छोटे चम्मच गरम मसाला डालेंगे। अब इसको अच्छे से हम लोग भूनेंगे। ये देखिए हमारे मसाले को तब तक पकाना है जब तक कि उसमें साइड से तेल ना छोड़ने लगे। ये देखिए तेल छोड़ दिया मेरे मसाले में। अब इसमें जो है पानी ऐड करेंगे, एक कटोरी पानी मैंने डाला है। इसके बाद एक कटोरी और डालेंगे। आप ग्रेवी को अपने हिसाब से कम ज़्यादा पानी डाल के बना सकते हैं। अब इसको 5 मिनट के लिए ढक के मैंने पका लिया। अब देखिए हमारे मटर थोड़े सॉफ्ट हो चुके हैं। इसके बाद हम लोग इसमें पनीर जो क्यूब्स थे फ्राई वाले उसको भी धीरे धीरे करके डाल देंगे और अच्छे से चला लेंगे इसको। देखिए अब इसमें थोड़े से कसूरी मेथी है, कसूरी मेथी को लेकर के अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे। थोड़े धनिया पत्ती डालेंगे और इसको भी इसमें हम लोग मिक्स कर लेंगे। अब इसको 5 मिनट के लिए ढक के पका लिया मैंने। अब देखिए कितना अच्छा एकदम ग्रेवी बन गया है हमारे मटर पनीर का। अब इसमें थोड़ा सा ग्रेटेड किया हुआ पनीर हम लोग इसमें डाल देंगे, ज़्यादा नहीं डालना है, बस थोड़ा सा ही डालना है। एक बार इसको अच्छे से फिर चला लेंगे और 5 मिनट के लिए और ढक के पका लेंगे। 5 मिनट के बाद फ्रेंड्स देखिए कितना सब्जी हमारा एकदम अच्छा एकदम बन के तैयार हो चुका है। तो इसको अब हम लोग प्लेट में सर्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये मटर पनीर की जो रेसिपी है एक बार आप ज़रूर बना के ट्राई करिए। यकीन मानिए दोस्तों बहुत ही टेस्टी और एकदम डिफरेंट स्टाइल की ये मटर पनीर की सब्जी लगती है। एक बार बनाएंगे तो आपका बार बार बना के खाने का मन करेगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये मटर पनीर की रेसिपी या वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।